Hello guys, welcome to आज हम बात करेंगे संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज के बारे में जो द हिंदू हर संडे अपलोड करता है राइट right. तो हमने ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर दिए है प्लीज चेक आउट आवर चैनल तो आज हम बात करेंगे हमारे तीसरे वीडियो के बारे में जो तीसरा संडे है उसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर है इट इज अबाउट नासा सेट टू कंडक्ट फर्स्ट ग्लोबल वाटर सर्वे फ्रॉम स्पेस ये नासा ने क्या किया है कि स्पेस एक्स आपको पता होगा कि स्पेस एक्स क्या है वो मस्क की कंपनी है तो स्पेस एक्स के साथ मिलके नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है ये सैटेलाइट का नाम दिया गया है स्वॉट सैटेलाइट राइट स्वॉट स्टैंड फॉर सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी राइट और ये जो सर्वे पूरा होगा वो रडार सिस्टम से होगा और जो रडार सिस्टम होती है उसके अंदर दो होता है तो एक है एक्टिव सेंसिंग और दूसरा है पैसिव सेंसिंग जो एक्टिव सेंसिंग है वो बेटर एडवांस है और जो पैसिव है वो उतना एडवांस नहीं है तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए अगर नहीं मालूम है तो प्लीज सर्च कीजिए उसको राइट right? और अगर मालूम है तो प्लीज राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन विल बी हैप्पी दैट कि आपको ये सारी चीजें पता है राइट right? तो यहाँ पे जो मेजर बात है वो ऐसी है कि अब तक जो भी बड़े बड़े सर्वे हुए हैं वो वाटर बेस्ड कभी नहीं हुए हैं ये पहली बार हम वाटर बेस्ड सर्वे कर रहे हैं राइट right. नाउ जब ये हमारा जो पूरा प्लेनेट है 70 वा, वाटर से घिरा हुआ है तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है प्लस उसमें और क्या चीजें हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की जितनी जितनी इम्पैक्ट आ रही है वो वाटर कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है या तो फिर वाटर क्या क्या उसके खिलाफ रिएक्शन दे रहा है उसकी भी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे अब ये जो सेटेलाइट उन्होंने भेजा है वो एस यू वी साइज का है आपको पता होगा कि मेजर मेजर एस यूवी की साइज क्या होती है तो उसके साइज का ये सैटेलाइट है जो सेवरल मंथ्स में पूरा पूरा डाटा इकट्ठा करेगा और फिर जाके एक पूरी सी कॉम्प्रहेंसिव स्टडी प्रिपेयर होगी और इसमें हम हाई डेफिनेशन डिटेल्ड 90% ऑफ द ग्लोब को कवर करके एक पूरा सा एक एटलास्ट जैसा मैप बनाएंगे राइट सो नासा के जो साइंटिस्ट है उनका ऐसा कहना है कि इट इज द फर्स्ट मिशन टू ऑब्जर्व द नियरली ऑल द वॉटर ऑन द प्लैनेट्स सरफेस अभी हम यहाँ पे ग्राउंड वाटर के बारे में बात नहीं कर रहे बट जो भी सरफेस के ऊपर पानी है उसके बारे में बात कर रहे तो यहाँ पे क्या क्या चीज आ सकती है तो यहाँ पे ग्लेशियर्स आ जाएंगे फिर यहाँ पे लेक्स आ जाएंगे आइस कैप्स आ जाएगी जैसे कि ग्रीनलैंड है एंटार्क्टिका है वो सारी चीजें आ जाएंगी फिर रिवर्स वगैरह आ जाएंगे तो ये जो सरफेस वाटर है उसकी कॉम्प्रसिव स्टडी करेंगे नाउ दूसरी एक चीज है कि जो मेजर थ्रस्ट दिया गया है वो किसके बारे में है कि तो हाउ ओशंस एब्जॉर्ब एटमोसफेयर हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अ नेचुरल प्रोसेस तो यहाँ पे ये चीज जाननी जरूरी है कि जो वाटर है उसका ओ एंड सीओ के साथ सीधा ही रिलेशन है। है? कैसे है? कि जब जब वॉटर वार्म होता है तब वो O2 को रिलीज करता है सोडस सीओ टू को भी रिलीज करेगा जब वॉटर कोल्ड होता है या तो फिर कूल cool होता है तब वो O2 को और सीओ टू को एब्सॉर्ब करेगा राइट right. तो जितना वार्मर वाटर उतना ज़्यादा हमें ये CO2 और O2 हवा में रिलीज होता दिखेगा और जितना कोल्डर वाटर उतना हमें एब्जॉर्ब होते दिखेगा तो जितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो वाटर अपने अंदर का रहा वो जो सीओ टू है उसको भी हवा में एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है सो so यहाँ पे हमें डबल एज्ड दिक्कतें दिखेगी एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है हमारा जो फोसल कंबन है उसकी वजह से सीओ टू बढ़ रहा है प्लस ये जो ओशंस है वो वार्मर होते जा रहे हैं तो वो भी सीओ टू रिलीज करेंगे तो हमें ऐसे दुगना टू टाइम्स सी टू मिलना चालू हो जाएगा एंड वाटर जो अभी तक का है उसमें से स्पेशली ओशंस दे आर सेट टू बी दी कार्बन सिंक ऑफ द नेचर और कार्बन सिंक ऑफ वर्ल्ड बट राइट नाउ सिंस इट इज वार्मिंग टू मच नाउ दे आर कन्वर्टेडिंग इन टू वॉटर सोर्स सो इट इज नॉट अ गुड थिंग आई होप आपको ये पता चला होगा तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा तो ये जो भी हमारे रिपोर्ट आते हैं है, उससे हमें ट्राई करना है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम स्लो डाउन कर ले और ग्लोबल वार्मिंग को जितना हो सके उतना रिस्ट्रिक्ट करें ताकि हमारे जो ये ओशंस है वो हमारे लिए कार्बन सिंक बने ना ही कार्बन सोर्स बने ओके क्लियर चलिए तो अब हम दूसरे करंट अफेयर की तरफ जाते हैं चलिए तो next current affair है के सीक्वेंसिंग ऑफ बनियन एंड पीपल ट्री फ्रॉम देर लीव टिश्यूज नाउ लीव टिश्यूज को उन्होंने उठा के जीनोम सीक्वेंसिंग किया है तो आई आई आर का कहना ऐसा है कि वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टन स्पीसीज जिनके जो लाइफ स्पान है वो बहुत ही लंबे होने चालू हो गए हैं रीजन क्या है कि उसके अंदर मल्टीपल साइन ऑफ अडाप्टिव इवोल्यूशन दिखा गया है क्या दिखा गया है मल्टीपल साइंस ऑफ अडाप्टिव इवोल्यूशन नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग अब जीनोम सीक्वेंसिंग इज नथिंग बट फिगरिंग आउट दी ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ डी न्यूक्लियर्स अब जो ये न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या बेसिस रहते हैं या तो फिर क्या क्या दूसरे हॉर्मोन्स अंदर काम करते हैं या क्रोमोजोम के पैर कैसे सिचुएशन उसके अंदर से है वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे नाउ ये जो ह्यूमन जीनोम होता है आपको पता होगा कि उसके अंदर 23 थ्री क्रोमोजोम पैर होती है राइट right? और ये जो चीज़ है वो सारी हमें कैसे पता चलती है ये जीन का प्रॉपरली प्रोफाइल प्रोफाइलिंग करके अब ये जो प्रोफाइलिंग है वो साइंटिस्ट ने किया वो प्रोफाइलिंग से हमें क्या क्या चीजें पता चली चलिए वो देखते हैं तो नाउ यहाँ पे ऐसा है किउंडन ईयर्सो तो उसमें ऐसा हुआ था कि इनका कहना ऐसा है कि जब जब कोई भी आप दो स्पीशीज को अलग कर देते हैं उसके बीच में डिस्टेंस आ जाता है तो उनके बीच में स्पेशिएशन होता है मतलब एक जो है उसका कुछ अलग इवोल्यूशन होगा ये जो है कुछ उसका भी अलग कुछ इवोल्यूशन होगा और वो इवोल्यूशन में क्या क्या चीजें हो सकती है तो इवोल्यूशन में ऐसा होता है कि जो हमारे हॉर्मोन्स है ये जो प्लांट के हॉर्मोन्स है वो कोई सिग्नलिंग करना चालू कर देंगे उसके अंदर सिक्वेंसिज के पाथवेज बनना चालू हो जाएंगे राइट को इवोल्यूशन चालू हो जाएगी स्ट्रेस टॉलरेंस चालू हो जाएगी राइट ये सारी चीजें इन दोनों में हमें मिली है ताकि उनसे क्या हुआ कि उनकी जो लाइफ स्पान है वो बढ़ती गई क्यों लाइफ स्पान बढ़ी क्योंकि उसका बायोटिक फैक्टर्स एंड ए बायोटिक फैक्टर्स के खिलाफ उनके रिस्पॉन्स बढ़े क्या बढ़ा रिस्पॉन्सिस बढ़ा ना ये, ये कैसे कैसे होते हैं तो हमें पता है कि चार प्रकार के रिस्पॉन्सेज होते हैं तो एक होता है रेगुलेशन दूसरा होता है माइग्रेशन तीसरा होता है कॉन्फॉर्मिटी चौथा होता है सस्पेंशन, right. चलिए मुझे बताइए कि चारों प्रकार के रिस्पॉन्सेज से आप क्या समझते हैं क्या आपको उसकी डेफिनेशन प्रॉपर पता है क्या आपको उसके एग्जाम्पल आपको प्रॉपर पता है बिकॉज यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है और ये जो रिस्पॉन्सेज है वो हमें स्टैंडर्ड 12th की जो एनसीआर है बायोलॉजी की उसके थर्टीन टू चैप्टर्स में मिल जाएगा सो प्लीज रीड अबाउट इट अगर नहीं है तो हमें बताइए हम आपको उसकी भी प्रोवाइड कर देंगे राइट right. अब ये जो जो इवोल्यूशन है है बनियन ट्री में जो पाई गई है, उसमें क्या क्या चीजें डेवलप हुई तो एक तो कुछ रूट डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ है लीफ का फॉर्मेशन कुछ अलग हुआ है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आए हैं एंड पोलन ट्यूब एंड सीड डेवलपमेंट में भी चेंजेस हमें देखने मिले हैं तो ये सारे जो चेंजेस है वो लॉन्गर टर्म इवोल्यूशन से मिलते रहते हैं और स्पेशली टूवर्ड्स दी रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और ये स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमें चार तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है जो अभी हमने डिस्कस किया नाउ ये जो भी एम एस जीन है जिसके अंदर इवोल्यूशन देखा गया है वो सारे ऐसा है कि जो टॉलरेंस बहुत ही ज्यादा हाई दिखाते हैं टॉलरेंस हाई दिखाते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो लाइफ स्पान है वो बढ़ता जाएगा उनकी जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो भी बढ़ती जाएगी राइट सो टू सरवाइव इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इको सिस्टम एज अ की स्टोन स्पीसीज कैसे स्पीसीज अब ये बन गए हैं की स्टोन स्पीसीज ना की स्टोन स्पीसीज ऐसे होते हैं कि इस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट और बायोमास टू बी करेक्ट जो उनका बायोमास होता है उससे उनका कोई लेन देना नहीं होता बट उनकी पूरे इकोसिस्टम में जो इम्पैक्ट होती है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है जैसे कि समझ लीजिए आप हनी बीज जो बीज की इंपैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है पॉलिनेशन में वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है और अगर बीज इफ दे बिन एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ ऐसा बोला जाता है कि अर्थ तीन से चार साल में कंप्लीटली डेजर्टिक भी हो सकती है तो ये जो है वो की स्टोन स्पीसी कहलाए जाते हैं कि जिनकी इंपैक्ट पूरी इको होती है इफ देयर वेट और नंबर राइट तो उनको कहेंगे हम की स्टोन स्पीसी स्टोन स्पीसीज है वो धीरे धीरे डेवलप करते 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 उनका स्ट्रेस टॉलरेंस बहुत ही बढ़िया बन गया है और उसकी वजह से उनका लाइफ स्पान भी मस्त हो गया है राइट right. नाउ दूसरे जो करंट अफेयर है वो हमारा ऐसा है कि एनिमल एक्सटिंक्शन पाइलिंग अप सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ था वो कब चालू हुआ था 1760s में चालू हुआ था जाते-जाते 1840 तक एक खत्म हुआ फिर वहां से 1850 से दूसरा स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तब दूसरा खत्म हो जाता है फिर 70s से चालू होता है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तक चलता है और फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी चल रहा है ऐसा लोग कहते हैं राइट right, अब ये जो एक्सटेंशन है वो किसका हो रहा है तो स्पेशली एक्सटेंशन हो रहा है उन जिनका उनको कहा जाता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग डनीमल्स की जिनकी पूरी जीवन निर्वाह किसके ऊपर डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या होना चालू हुआ पॉल्यूशन होना चालू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से दूसरी चीज क्या चालू हुई तो उनका जो लैंड था फॉरेस्ट का लैंड था वो डाइवर्ट करके हम अर्बनाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो उनकी वजह से उनका जो एक्सटेंशन रेट है वो पर्टिकुलरली ओवर अ टाइम पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है स्पेशली किसमें एम्फीबियंस में ऐसा देखा गया है एंड इट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द डिफॉरेस्टेशन राइट तो अब जो हमारी एज आएगी वो एक्सटेंशन की एज आ सकती है और उसको हम एंथ्रोपोसिन कहते हैं क्या कह सकते हैं एंथ्रो

यहां से इवॉल्व होना चालू हो जाएगा पहले सब बनेंगे फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन क्या करेगी कि पूरे उनका जो जीन है ना वो एडिट हो जाएगा थ्रू द नेचुरल प्रोसेस और हमें कुछ सी प्रकार के स्पीसीज मिलेंगे यहाँ पे भी सेम होगा धीरे धीरे आगे जाओगे तो यहाँ पे कुछ डी प्रकार के स्पीसीज मिलेंगे तो उनका ऐसा कहना है कि न्यू स्पीसीज ऑफन अराइज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम दी डिफरेंट एनवायरमेंट मतलब एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर जो अभी हमने देखा न, -biotic biotic के जो है उनकी जो जीन है वो धीरे 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 अलग होती जाएगी और वो इंटरब्रीडिंग इन ब्रीडिंग होती जाएगी उनके एनवायरमेंट के प्रति वो सेटल होते जाएंगे और फिर उनका पूरा जो जीन है वो प्रोफाइल अपने इनसेस्टर से एकदम से अलग हो जाएगा एंड राइट आई हो इसके बारे में पता चला होगा सो दट इट फ्रॉम टूडेक् आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो और जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए और जो भी आपके सजेशन हो प्लीज बी फ्री एंड फील फ्री टू राइट इट डाउन इन अक्शन कमेंट सेक्शन थैंक यू वेरी मच